हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग जो है शाम के टाइम से शुरू हो रहा है और 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल कामों की वजह से, और एक एग्ज़ाम भी था मेरा, तो ब्लॉग नहीं बन पाया। लेकिन कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए ब्लॉग। तो दोस्तों, इस समय शाम के बजे हैं 6 और हम आ रहे हैं अपने गांव के आउटर में, एक फ्री की सब्जी मंडी है यहाँ पे, और वहीं जो है आज हम सब्जी ट्राई करेंगे। अगर मिलेगी तो आप लोगों को तभी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मौसम क्या अगर इस प्रकार का हो रखा है, ये है हमारे पहाड़ों का मौसम शाम के टाइम का, और काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है। चारों तरफ जो है रास्ते से होके हमको जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ इस प्रकार का रास्ता है, तो आज ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तुम बताया यहाँ सांप रहता है, यहाँ नहीं, हमें यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, आदि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आना, आदि यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना बोल दिया ना मैंने। हाँ, मैं यहाँ हूँ, देख रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी बिकट स्थिति बनी हुई है, और मैं पहले दूर से देख लेता हूँ, अगर कुछ मेरे को दिखाई देता है तो ज़रूर ट्राई करूँगा जाने की। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं कि कुछ हमारे हाथ आज लगता है या नहीं। तो ऐसे तो दूर से दिखाई नहीं दे रहा हमको कुछ भी, लेकिन अगर पास जाके मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगा। अगर कुछ भी सब्जी लेंगे, आप ये देख सकते हो, ये लौकियाँ लग रही है, ये काफ़ी छोटी है, 2-4 दिन में खाने के लिए हो जाएगी। और ये हमको पहला करेला मिल चुका है, तो करेला भी हम जो है रखेंगे खाने के लिए। और हमारा मकसद है मेन लौकी ढूंढना, जो कि लग रहा है कि आज पूरा नहीं होने वाला है। छोटी छोटी लौकी, हाँ, छोटी छोटी लौकियाँ तो यहाँ लगी है। तो दोस्तों, एक साइड में तो मेरे को कुछ नहीं मिला, छोटी छोटी लौकियाँ लगी थी, लेकिन खाने के लिए अभी वो योग्य नहीं हो रही है, लेकिन देखते हैं दूसरी साइड जाके। और दोस्तों, यहाँ जो है बिच्छू घास भी काफ़ी है, तो मेरे पैर में भी काफ़ी लग चुकी है।
और ये देखिए छोटी छोटी लौकियाँ लग रही है ऊपर, देख रहे हो ये कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी लौकियाँ लग तो रही है, लेकिन बड़ी लौकी एक थी उसको तोड़ के ले गए और उम्मीद है ये। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अभी यहाँ सब्जियाँ तैयार नहीं हुई है, छोटी छोटी लगी है लेकिन खाने योग्य नहीं है। तो जब भी ये सब्जियाँ होंगी तो हम इनको खाएंगे, लेके जाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। तो से आज की सब्जी में हम कद्दू बनाएंगे जो कि हमने घर में ऑलरेडी रख लिया है ऊपर अपने खेत से लाके, सीजन का नया नया कद्दू। तो इन झाड़ियों में काफ़ी प्रकार की सब्जियां यहाँ जो है आपको फ्री में मिल जाएंगी, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां और फ्रेश वेजिटेबल जिसको हम बोल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। तो दोस्तों चलो मैं आप आज को दिखाता हूँ आज के सीज़न का नया नया कद्दू जो कि हम अपने खेत से तोड़ के ले आए हैं। ये पूरा सब्जी मंडी है इधर, ये देख सकते हो आप, इनमें कद्दू और लौकी करेला यही सब चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी और शायद ये जब भी लगेंगे तो एक ही बार में बहुत सारे लगेंगे क्योंकि क्वांटिटी देख सकते हो आप कैसे लग रही है, छोटी छोटी हो रही है अभी, ये थोड़ा बड़ी सी हो गई और इससे ऊपर एक और है बड़ी बड़ी सी और भी मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर बहुत एक दिख गई मेरे को काफ़ी बड़ी है। तो ले चलता हूँ मैं आपको उसी की तरफ दिखाता हूँ। एक देख सकते हो आप नीचे लगी है, देख रहा उधर ये बॉर्ड वाल बना दी क्या, काफी लौकियां लगी है यहाँ, कहाँ जी मारो देख सकते हो आप यू दियो यम यम ना 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 यो 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 यो। तो कुछ इस प्रकार से काफी लोग हैं यहाँ,
काफी लोग हैं भरमार। तो काफी लोग यहाँ देखने को मिल रही है। और ये देख रहे घर के बाहर तोरियां, काफी टाइम ले लिया इन्होंने लेकिन लगने लग गई। और आपको दिखाते हैं आज के डिनर की सब्जी में क्या बनने वाला है। तो दोस्तों ये है आज के डिनर की सब्जी, ये खरबूजा टाइप का कद्दू। तो आज इसकी सब्जी बनाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार से रहा आज का ये सब्जी सर्च करने का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।